नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हर क्षेत्र में काम हुआ, कई देशों के साथ समझौते हुए, फिर रक्षा क्षेत्र के लिहाज से तो भारत एक मजबूत देश बनकर उभरा ही है। तभी तो जल, थल और नभ में अपना लोहा मनवाने में भारत कामयाब रहा है, और इन सब के बाद अब अंतरिक्ष में भी भारत ने खुद को मजबूत करने की बड़ी तैयारी कर ली है। अब अंतरिक्ष में भी भारत की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, जिसके लिए अब अगले ही महीने भारत अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास करने जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है इन स्पेस एक्स, जो कि मूल रूप से एक टेबल टॉप वॉर गेम पर आधारित होगा, जिसमें सिर्फ सैन्य और वैज्ञानिक समुदाय के लोग ही हिस्सा लेंगे, जो इस अभ्यास की गंभीरता को दिखाता ही है। इससे भारत अपनी अंतरिक्ष संपत्ति पर आने वाले खतरों से निपटने में सक्षम हो जाएगा। अब जानते हैं इन स्पेस एक्स का प्लान क्या है। अंतरिक्ष में रणनीतिक चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए, जैसे विरोधियों पर निगरानी, संचार, मिसाइल की पहले से पहले चेतावनी और सटीक टारगेट लगाने के लिए इस तरह के युद्धाभ्यास की जरूरत है, जिससे हमारे सशस्त्र बलों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी मजबूती आएगी। और अभी के मौजूदा हालात में भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पड़ोसी देश चीन संचार, नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन और अन्य उपग्रहों के साथ मिलकर 100 से ज्यादा अंतरिक्षयान मिशन को अंजाम दे चुका है, जबकि भारतीय सशस्त्र बल अब भी 2 सैन्य उपग्रहों के अलावा निगरानी, निवेश और संचार उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर दोहरे उपयोग वाले रिमोट सेंसिंग उपग्रह का ही उपयोग करता है, जिससे अब आगे बढ़कर भारत को अंतरिक्ष में भी अन्य देशों से खुद को मजबूत करने की जरूरत है। और उसी दिशा में कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय जुलाई के अंतिम सप्ताह में अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास करने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी अंतरिक्ष और काउंटर स्पेस क्षमताओं का आकलन करना है, जिससे देश की सुरक्षा का आकलन भी होगा। भारत ने मार्च में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया था, जो ये साबित करता है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बाहरी अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को निशाना बनाने में सक्षम है। फिर हाल ही में भारत ने ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी की शुरुआत भी की है, जो अंतरिक्ष में होने वाले मिलिट्री मिशन को अंजाम देने का काम करेगी। बता दें कि अब साइबर के अलावा अंतरिक्ष भी युद्ध का अखाड़ा बन गया है। जनवरी 2007 में चीन ने अपने ही सैटेलाइट को मार गिराया था और दुनिया के सामने इसे मात्र एक दुर्घटना करार दिया था, लेकिन असल में चीन किसी सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता की जांच कर रहा था। अब भारत भी अगले महीने यानी कि जुलाई के आखिरी में दुश्मन देश के सैटेलाइट को मार गिराने के लिए तकनीक विकसित कर अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास को अंजाम देने जा रहा है, जिसके बाद वो चीन जैसे देश को अंतरिक्ष में भी टक्कर देने में सक्षम होगा।